ड्यू बॉल खेल की राष्ट्रीय स्तरीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ऊना के इंदिरा मैदान में खेली जाएगी। ये जानकारी ड्यू बॉल एसोसिएशन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। सत्ती ने बताया कि 25 से 27 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से महिला और पुरुषों की 60 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं जिम्बाब्वे और भारत के बीच मुकाबले में ऊना में ही खेला जाएगा। ऊना के इंदिरा मैदान में 25 से 27 जून तक ड्यू बॉल खेल की राष्ट्रीय स्तरीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी जबकि प्रतियोगिता का समापन पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे। ड्यू बॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि प्रतियोगिता का आगाज ऊना शहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय को लेकर एक जागरूकता रैली से किया जाएगा। सत्ती ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जहां 60 टीमें हिस्सा लेंगी वहीं जिम्बाब्वे और भारत की टीम के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच खेला जाएगा। 25 जून से 27 जून तक राष्ट्रीय स्तर के ड्यू बॉल चैंपियनशिप ऊना में हो रही है। इस चैंपियनशिप में पूरे देश से लगभग 60 टीमें महिलाओं की और पुरुषों की आ रही हैं। उन खेलों का आयोजन 3 दिनों के 25, 26, 27 को किया जाएगा और इन खेलों का शुभारंभ 25 तारीख को हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी जी करेंगे और 27 तारीख को खेलों के क्लोजिंग में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर जी उसका समारोह करेंगे। इन खेलों के साथ साथ 25 तारीख को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय को लेकर के शोभा सभी खिलाड़ी शहर के अंदर एक शोभा यात्रा निकालेंगे रैली निकालेंगे ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय को हम जनता के बीच लेकर के जा सकें। इन खेलों का आयोजन बड़े स्तर पर ऊना में पहली बार हो रहा है और इसमें एक विशेषता ये है कि भारत की राष्ट्रीय स्तर की पुरुषों की और महिलाओं की टीम और जिम्बाब्वे की पुरुषों की और महिलाओं की टीम भी इस ड्यू बॉल गेम्स में हिस्सा ले रही है।